आपको अच्छा लगे वो काम आप करते रहो। मैं तो काम यही कहना चाहूंगी कि जब आप फ्री हो गई हो तो आपको वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो। नमस्ते, वेलकम टू SD स्टूडियो सीजन 2। दिस इज प्रिया गैरा योर होस्ट, एंड इन दिस सीजन आई एम गोइंग टू नरेट सागा ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट, देयर स्टोरीज एंड देयर एक्सपीरियंसेस। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, वेल शी इज अ ट्रू क्वीन ऑफ वॉल डेकोर। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी वॉल डेकोर कलेक्शन देखें तो आपको लगेगा कि आप उसके अंदर हर वो टेक्निक देख पा रहे हैं जो कोई भी रेजन आर्टिस्ट या कोई भी रेजन आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बना रहा होगा, इंक्लूडिंग कलर कॉम्बिनेशन, इंक्लूडिंग वेरिएशंस, इंक्लूडिंग मच कंटेम्प्रेरी टेक्निक एंड ए ग्रेट ग्रेट वेरिएशन कॉम्बिनेशन इन टू इट। सो आज वो हमारे साथ है और हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। सो जस्ट लेट्स वेलकम ऐश्वर्या। हाय ऐश्वर्या जी, हेलो मैम। फाइन हाउ आर यू? मैम। ऐश्वर्या जी, आई एम रियली एक्साइटेड कि आप यहाँ पर आज आए और आपसे हमें बात करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि वहाँ पर भी जो माहौल है बिल्कुल सेम है। आपके एक्साइटमेंट लेवल, आपकी फेस की चमक से मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई रियली वॉन्ट कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। मैं ऐश्वर्या गुप्ता हूँ। ऐश आर्या क्रिएशन का मैंने फाउंडर फाउंडर बोलूंगी अपने आप को। और SD एकेडमी के थ्रू मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे मैं अपनी क्रिएटिविटी और अपना पैशन दिखा सकती हूँ, जी जी इसलिए जी SD एकेडमी को थैंक यू। एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऐश्वर्या जी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन। हम हमें सिखाना और हमारी गाइडेंस तभी काम आती है जब सामने वाला इंसान इतना टैलेंटेड हो और उसका अडेप्शन पार इतना स्ट्रांग हो, जैसे कि आपका है। सो ऐश्वर्या जी, थैंक यू आपके मैम। बारे में और ज्यादा जानने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप और मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं आपके चाइल्डहुड डेज की तरफ, जहाँ पर मैं आपके बारे में जानूंगी कि किस तरीके से आपका जो आर्टिस्टिक जर्नी शुरू हुआ। वेल, आप भी रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन में ही हमारे अंदर का जो आर्ट है, हमारे अंदर का आर्टिस्ट है, वो वहीं से जनरेट होता है। किसी का दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट या किसी बड़े की देखी हुई आर्ट फॉर्म देखकर हम इंस्पायर हो जाते हैं। तो आपकी क्या स्टोरी है, आपका बचपन कैसा था? मैम, बचपन मेरा बहुत अच्छा था। पेंटिंग में मेरे को शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था और मैंने कॉलेज टाइम पे अपने मतलब कॉलेज में एक कंपटीशन में विन भी किया था ग्लास पेंटिंग के थ्रू। लॉर्ड कृष्णा की मैंने 5 फिट की पेंटिंग बनाई हुई थी, वाओ वाओ तो उससे मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया, काफी अच्छा। फिर मैरिज हो गई, फिर ऐसा होता रहा, फिर पेशेंस ये हुआ कि अब मैं फ्री हूँ तो मैं अपनी हॉबी को आगे कर सकती हूँ। जी। सर शेरा जी, आपके जो स्कूलिंग के टाइम पर जब आपने वो लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग बनाई थी, वो भी इतनी बड़ी साइज की, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब वो देखते थे कि जो ऐश्वर्या है वो आर्ट में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता था? मैम, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश रहते थे। एक्चुअली मेरी मदर बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और वो अच्छा, बहुत वो बहुत इनकरेज करती थी कि आप अपने अपने पेशेंस को, अपनी पेंटिंग जिस पे आपको अच्छा लगे वो काम आप करते रहो। जी। एंड आई थिंक उन्हीं के जीन्स हैं आपके अंदर, है ना, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर कर आगे लेके जा रही है। एक लेगेसी आपने जो पकड़ी है, मुझे लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन तक जरूर पास ऑन होगी। सो ऐश्वर्या जी, आफ्टर स्कूलिंग आपकी पढ़ाई किस चीज में हुई? मैम, मेरी पढ़ाई ह्यूमैनिटी में हुई है, अच्छा, मैंने MA किया हुआ है कॉलेज ओह दैट्स लवली। और में। किस उम्र? ओके लवली। एंड किस उम्र में आपकी शादी हुई? 22+। 22 में। ओके ओके ओके। सो शादी के बाद क्या क्या बदलाव आपने देखे अपने जीवन में? पहले का कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ, क्या क्या चेंजेस आए? मैम, चेंजेस तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि हस्बैंड और ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए रोका भी नहीं है मेरे लवली को। लवली लवली, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आपका हमेशा से ही आर्ट की तरफ एक एक रुझान रहा है, एंड जो हम MA और BA के जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपकी आर्ट आर्ट जो फ्यूजन है वो होते रहते हैं, वाया कॉम्पिटिशन या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या प्रोजेक्ट्स जो हो गए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, आर्ट से कनेक्टेड ही थे। तो शादी के तुरंत बाद आपने कुछ सोचा कि मुझे आर्ट में कुछ करना है, ऐसा कुछ हुआ, कुछ प्लान?
ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा जॉइंट फैमिली थी, थोड़ा थोड़ा बिजी होते गए, फिर जी बच्चे भी हो गए, जी जी अब जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ एक्चुअली। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरे को अब ये सो लगा कि मैं अपने ड्रीम्स को कर बोलिए। लूँ अपना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। तो रेजिन से मुलाकात आपकी कैसे हुई? मैम रेजन से मुलाकात ऐसे हुई, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई, तो अच्छा, कहाँ मेरे को बहुत अच्छा पे हुआ। फिर देखा? रेजन इंस्टाग्राम पर, इंस्टा जी पर भी जी देखा, जी फिर शरद सर का मैंने एसजी एकेडमी का एक वो देखा, तो फिर जी मेरे को जी लगा कि ये वीडियो, मेरा हाँ भी जी सही प्लेटफॉर्म है, कि मैं इससे कर जी सकती हूँ आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल। सो उस टाइम पर जो पहले दिन पहली बार आपके सामने रेजिन का मटेरियल आया, कि आपको पता लगा कि ओके, आफ्टर सो सो लॉन्ग मैं पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, बट रेजिन के साथ, जो अपने आप में एक बहुत ही अल्ट्रा न्यू मीडियम है, तो वो फीलिंग कैसी थी? क्या फील करे थे उस टाइम पर, और कैसा बना आपका आर्टवर्क? मैम मेरा बहुत अच्छा आर्टवर्क बना, शरद सर के साथ मैंने वो ट्रेड कंप्लीट करी, बहुत अच्छी बनी, मतलब सर ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन उस समय बहुत लवली। डर भी लग रहा था कि सही बनेगा कि नहीं बनेगा, रीजन कैसे करूंगी क्या करूंगी, उस समय एक लग भी रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं जी जी सीखती गई बिल्कुल मेरा डर भी खत्म हो गया और मेरे को बहुत मजा आने लगा। बहुत अच्छी बात है। सो आज इतने टाइम के बाद, जब आपने बैक टू बैक इतनी सारी टेक्निक, इतने सारे आर्ट फॉर्म रेजिन के अंदर एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो आज आज आप अपने आप को एक कैसा रेजिन आर्टिस्ट महसूस करती हैं? मैम आज की डेट पे मैं बहुत अच्छा अपने आप को रेजन आर्टिस्ट मानती हूँ। और कितने बदलाव आए हैं? मैम काफी बदला है, सोचने की जो अपनी क्रिएटिविटी है वो उससे सोचने की मतलब अलग अलग आने लगे हैं, आइडियाज आने लगे हैं कि ऐसे जी से ऐसा करूंगी, एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ मैम, जी जी तो जी मजा मतलब मजा आने लगा है करने में। बहुत अच्छी बात है। और जितने भी न्यूबीज हैं, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो जो रेजिन में कुछ करना चाहते हैं, रेजिन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, सो एज अ रेजिन प्रो आप उन्हें क्या सलाह देंगी? मैम उनको तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने जो क्रिएटिव आइडियाज है अपने माइंड को क्लियर करें पहले तो, और फिर क्रिएटिव आइडियाज निकाल के अपनी एक्सपेरिमेंट्स जरूर करने चाहिए सीखते बहुत अच्छी सीखते। बात है, बिल्कुल, वेल सेड वेल सेड। एंड ऐश्वर्या जी, यू नो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, हर एक आर्टिस्ट से, और हर एक आर्टिस्ट ना बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस शेयर करता है ना? तो आपने भी बिल्कुल डिफरेंट एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा कि उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी न्यू आर्ट जर्नी को ज्वाइन करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर हेड कि आपको ये करना है और इसी के अंदर करना है। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। आप मुझे बताएं ऐश्वर्या जी, कि आप ऐसे समय से आती हैं कि जिस समय इंटरनेट बिल्कुल नहीं था दूर दूर तक, है ना, और हम सब कुछ मैम ओरिजिनल बनाते थे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, सब कुछ, तो कैलेंडर या मैगजीन से देख लिया, अदरवाइज अपने दिमाग से, है ना। और उसके बाद अचानक हमारी जिंदगी में इंटरनेट आया, फेसबुक और कुछ, टाइम आगे बढ़ा, फिर जिंदगी के अंदर हमारा मैसेंजर, इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट, यूट्यूब और अब थ्रेड्स भी आ गए हैं। बट एक आर्टिस्ट होने के नाते हमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहना है ना, अपना आर्टवर्क अपलोड करते रहना है। आजकल हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रील्स के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी बहुत बातें करते हैं, क्योंकि आप अकेले यस काम मैम करती हैं, है ना, और एक सोलो एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है अपनी आर्टवर्क करना, फिर उस आर्टवर्क को रिकॉर्ड करना, फिर उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, तो ये सफर कैसा है? ये सफर मैम स्टार्टिंग में तो बहुत लग रहा था कि डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके लेक्चर्स अटेंड करते गए, आपके थ्रू मेरे को आइडियाज मिलते गए। मैम आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसके थ्रू हमें आर्ट वर्क रिकॉर्ड करना, रील्स डालना, ये बहुत इजी हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर इतना ज्यादा हेल्पफुल है। एंड मुझे लगता है कि ऐश्वर्या जी, जिस पॉजिटिविटी से आप हर एक चीज को देखती है ना, वो ऑटोमेटिकली चीज आसान हो ही जाती है ना। तो जो चीजें आप दूसरों को बताती हैं, वो चीज आप अपने ऊपर भी अप्लाई करती है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और मैं काफी हैप्पी हूँ कि आप ये सब चीजें इतनी आसानी से कर पा रही हैं। अब आप मुझे बताइए, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप ही का स्टेटमेंट है कि अब मैं फ्री हूँ और अब मैं अपने लिए टाइम निकालना चाहती हूँ और अपना पैशन फॉलो करना चाहती हूँ, आप ये भी समझती हैं कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो अपने लिए टाइम निकालना चाहती हैं बट वो स्टेप नहीं ले पाती जो इम्पोर्टेंट स्टेप आपने लिया। सो यू नो, एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी मोटिवेटेड फील करे और वो भी अपनी लाइफ में वो स्टेप ले सके जो आपने लिया?
मैं तो मैम यही कहना चाहूंगी कि जब आप फ्री हो गई हो तो आपको वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो जी जी मैम, और जो आप कर रही हो उससे आपको प्यार हो, तो ये एक बहुत बड़ा जी मोटिवेशन होता है कि आप अपनी चीजों को मतलब प्यार से कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको वो अच्छा ही लगेगा। धीरे धीरे आप इनकरेज हो जाओगे कि हमें और यही अच्छा ही करना है। करना है। यस जी जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी आप एसजी स्टूडियो सीजन 2 में अपना कौन सा ब्रांड लेकर आई हैं, ब्रांड का क्या नाम है और ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? मैम मेरे ब्रांड की स्पेशलिटी तो वॉल डेकोर ही है। मेरे को वॉल आर्ट करने में बहुत मजा आती है, तो मैंने वॉल आर्ट को ही इसीलिए चूज किया हुआ है। तो जी। एंड आई थिंक ये मेरे चीजें ब्रांड का शुरू नाम हो गई थी ऐश आर्य कृष्णा से। हाँ क्रिएशन, जी मेरे ब्रांड का नाम ऐश आर्य क्रिएशन है, तो स्पेशलिटी तो यही मिलेगी कि वॉल डेकोर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत क्रिएटिव मिलेगा, हर बार नया मिलेगा। एंड आई थिंक एक बहुत खूबसूरत वॉल डेकोर मैं आपकी बैक साइड पर भी देख पा रही हूँ, जो मैम ये हमारा मून पेंटिंग मून, है, जियोड हाँ मून जी मून पेंटिंग। जियोड है। या यस इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने इसको इतना ब्यूटीफुली अटेम्प्ट करा और ब्यूटीफुली इंस्टॉल भी किया अपने घर के अंदर। लवली रियली बहुत अच्छा लग रहा है जी। सो ऐश्वर्या जी, अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आए और आपको बोले कि मुझे ना यही ये स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए, ये स्पेसिफिक कलर चाहिए, ये स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए, आप इसे कंबाइन कर कुछ कस्टमाइज करिए मेरे लिए, तो क्या आपके ब्रांड के अंदर हमें कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल मैम, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी जी 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 मैम। मेरा पहला ये मोटिव है कि मैं किसी कस्टमर को नहीं नहीं बोलूं, कोशिश जी करूं जी कि जी उनकी उसमें मैं पूरा कर पाऊं, बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी कोशिश ही क्वालिटी है। है। हाँ कि बस आया तो बस अडाप्ट उनको बोल दिया कि हाँ मैं ही कर कर दूंगी आपको ये काम। हाँ मैं ही करूंगी, जी जी आप जी बहुत मतलब अच्छी बात है। सेटिस्फाइड होते भी है कस्टमर, जी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। जी 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 बहुत अच्छी बात है। सर शेरा जी, आप मुझे बताएं कि अभी तक आपका ब्रांड कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है? मैम अभी तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, क्योंकि अभी ब्रांड को सिर्फ मेरे को अवेयर करना है, मतलब ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करना है, तो प्रॉफिट जी मार्जिन में मैं इतना रख भी नहीं रही हूँ। जी 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 बस जी मुझे ये जी लग रहा है कि लोगों तक पहुंचे हाँ मेरी जी आर्ट, उसके बाद फिर मैम आगे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्टूडियोज के थर्ड सीजन में आप मुझे ये बता रहे होंगे कि आप किस तरीके से आपने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपके पास लंबी लिस्ट होगी अगले सीजन तक, मेरी यही आशा है। मैम आपकी जी विशेष, बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी। सो ऐश्वर्या जी, आप मुझे बताएं कि जैसे आप इतना का सब कुछ कर लेती हैं, खुद के लिए समय निकाल लेती हैं, फैमिली के लिए समय निकाल लेती हैं और अपने आर्ट के लिए समय निकाल लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, सो इतना सब कुछ करते हुए जब आपके फैमिली मेंबर, स्पेशली आपके जो बेटे वो आपके साथ में ही है ना, आपके बेटे आपके हस्बैंड जब वो आपको देखते हैं तो वो उनका रिएक्शन कैसा होता है, हाउ दे फील अबाउट यू? मैम वो बहुत खुश होते हैं कि हम इतना कर पाते हैं, और जब मेरे जी आर्ट वर्क की तारीफ होती है तो सबसे ज्यादा खुश यही लोग होते हैं। दैट्स ग्रेट। आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको अंदर से खुश रखता है, आप देखो आपका चेहरा ग्लो करता है आप कुछ भी बनाती हैं तो, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है। ये बहुत बहुत सही कहा आपने, बहुत सही बात है। सो आप मुझे बताएं शोरा जी कि आपके अपकमिंग सेट ऑफ गोल्स क्या है अपने ब्रांड को लेकर, क्या क्या करना चाह रही है इसके साथ? मैम अभी तो मेरा यही गोल है कि मैं 1 साल के अंदर अपने ब्रांड को बहुत मतलब ऊंचाइयों पर ले जाऊं, जी और हर मतलब हर घर हर जगह पर बस इस ब्रांड की बात हो, बस अभी तो मेरा यही यस गोल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से काम करती रहे। आप मुझे बताएं कि अगर किसी को भी आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? मैम मेरे को इंस्टाग्राम में सर्च करना है रीजन एच आर्य क्रिएशन के नाम से, मैंने इंस्टाग्राम पेज बना रखा हुआ है, जी 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 उसमें जी फॉलो कर सकते हैं सब लोग। सो एवरीवन, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आपको इन्हें फॉलो करना है, और जितने भी आर्टिस्ट हैं नॉन आर्टिस्ट हैं जो रेजिन आर्ट पसंद करते हैं, सो मुझे लगता है कि इनका पेज जो है वो पूरी इंस्पिरेशन से भरा हुआ है रिगार्डिंग रेजिन आर्ट एंड क्राफ्ट, और आप अपने घर के लिए मन चाह वॉल डेकोर पीस जो है वो भी आप इनसे बाय कर सकते हैं। जितने भी लोग एमपी में हैं, आपके तो शहर के अंदर है ये, ठीक है, आपको बस इन तक पहुंचना है और अपना मन पसंदीदा रेजोनेटर इनसे कस्टमाइज करवाना है, राइट? राइट मैम, जी सो
तो ऐश्वर्या जी, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारी नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चन. ठीक है, तो यस चले. यस मैम, जी ऑल राइट, सो रैपिड फायर राउंड विद ऐश्वर्या. सो ऐश्वर्या जी, आपका पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कलर रेजन आर्ट के अंदर, जिसके साथ आप काम करना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, सबसे ज्यादा रेड कलर मैम, रेड कलर. एंड आपको ज्यादा क्या पसंद है, एक्रेलिक कलर या रेजन? रेजन मैम, ओके, आप क्या ज्यादा प्रेफर करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ओके, रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट? लार्जर रेजन प्रोडक्ट्स, ओके, ग्लॉसी फिनिश और मैट फिनिश? बोथ मैम, दोनों अच्छा ठीक है, दोनों पसंद है. ओके, आपका पसंद फेवरेट आर्ट टूल्स, आपके फेवरेट आर्ट टूल कौन सा है, सिलिकॉन मोल्ड और फ्री फॉर्म पोरिंग विद ग्लू गन? फ्री फॉर्म कोरिंग, ओके, विद ग्लू गन, ऑल राइट. आपके सबसे ज्यादा फेवरेट पिगमेंट कौन से हैं, ओपेक पिगमेंट्स और मेटालिक पिगमेंट्स? मेटालिक पिगमेंट्स, ओके, आपको ज्यादा आसान क्या लगता है, कोटिंग विद रेजिन और कास्टिंग विद रेजिन? कास्टिंग विद रेजन, ओके, कौन सा ज्यादा आसान है आपके लिए, अल्कोहल इंक के साथ काम करना या कॉन्सेंट्रेटेड इंक के साथ काम करना? अल्कोहल इनके साथ काम करना मैम, ओके, सो आपको ज्यादा क्या पसंद है, बीच यानी समुद्र या माउंटेन पहाड़? बीच, ओके ओके, लवली. एंड योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज, आर्ट सप्लाईज आप कहाँ से लेना पसंद करती हैं? मैम एसडी अकेडमी के थ्रू अभी तक तो ले रही हूँ, अभी तक ओके तो ओके कहीं ओके, आसपास पता नहीं किया है, जी वहां जी से जी ठीक अवेलेबल है, है तो कभी लिया नहीं कहीं से और सब। ऑल राइट ऑल राइट. आप मुझे अंत में बताइए कि जैसे जब ऐश्वर्या जी को थोड़ा सा शांत होना होता है, काम डाउन होना होता है, तो वो किस तरीके का संगीत प्रेफर करती है, किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करती है? मैम स्लो म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ मैं, अच्छा, सो इज देयर एनी फेवरेट सॉन्ग जो आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दे, नो मैम कोई फेवरेट नहीं है, या कोई ऐसी फेवरेट कोट या शायरी जो आपको मोटिवेट करती है बस मैम हमेशा? यही है लव। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मेरे को अच्छी लगती है, जो अपने अपना बनाओ उसको प्यार करो, और जिससे प्यार करती हूँ उसको बनाओ, बस मेरे को यही अच्छा लगता है। जी, लवली लवली, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी. एंड आई रियली विश कि एसजी स्टूडियो सीजन 2 आपकी सारी विशेस, आपकी सारी की सारी इच्छाओं को पूरा करे और आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए. थैंक यू मैम, ओके, ऑल राइट ओके ऐश्वर्या थैंक जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान यू, बाय बाय मैम। रखिएगा.